हेलो दोस्तों, सुप्रभात। जैसा कि हमने आपको बताया था, रैंडम टॉक विद सिद्धार्थ, इस चैनल पे आपको सही जानकारी मिलेगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो आइए, आज हम अपने दादाजी से आपको मिलाना चाहते हैं, ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जिनको जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, सही जानकारी आपको ये दे सकते हैं। दादा पाला जी, दादा हमारे कुछ सवाल हैं आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है जो सवाल के उत्तर जो है आप दे पाएंगे वो और कहीं नहीं मिलेगा, ये मुझे लगता है। जी हाँ, तो दादा मेरा यही सवाल था कि आप अपनी एज बताएंगे, आपकी आयु कितनी है? वो 70 साल हो गया। 70 साल हो गया। अच्छा ये बताइए, आप 70 सालों में आपने तो बहुत सारे सरकार देखा होगा, कितने सारे सरकार आए चले गए? बहुत सारे। लगता है कौन सा सरकार जो है सबसे अच्छा रहा गरीबों के लिए? सबसे अच्छा भैया अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, उन्हें से सुकून मिला। अच्छा, उसके बाद मोदी आई है। अच्छा, मोदी सरकार सबसे बढ़िया। अच्छा, उन्हों से अच्छा काम करता है, उनसे भी अच्छा मोदी सरकार काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जो गरीब योजना होती है उन सब का लाभ आपको मिलता है? हाँ भैया। आप तक पहुँचता है? मिला था। अच्छा हाँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं गरीबों के लिए क्या हुआ, क्या किया सरकार ने? गरीबों के लिए तो बहुत किया। अच्छा हाँ, सबका मकान बनवा दिया है, खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, दवा दे रहा है। हाँ, ये सब सुविधाएं आप तक पहुंचती हैं? हाँ, यहाँ तक पहुँच रही है। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, न्यूज़ पे जो भी दिखाया जाता है यहाँ, आप जो दादा के माध्यम से जो डायरेक्ट जानकारी आप तक मिलेगी वो सब सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोलते, और झूठ क्यों बोलेंगे। और दादा मैं बता दूँ आपको, दादा हमारे बहुत बड़े किसान हैं, जो हम आजकल पढ़ाई करते हैं, थ्योरिकल चीज़ें पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर हो गया, क्रॉप्स जो हमारे हैं सीजन हो गया, रबी क्रॉप्स हो गया एंड खरीफ क्रॉप्स हो गया, 3 सीजन्स होते हैं, उन सब के बारे में हम थ्योरिकल पढ़ते हैं, और दादा जो है हमारे इसमें प्रैक्टिकल इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि अगर आप इनसे आगे कोई भी चीज़ पूछते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, दादा खेती के बारे में, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो ये आपको जो बताएंगे ना वो कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। कोई भी टीचर से आप पढ़ के आओ एग्रीकल्चर का, जो इनको नॉलेज हो गया है खेती के बारे में, ये पेड़ पौधों और जो है खेती पशु पक्षियों से बहुत लगाव है दादा को, इतनी एज के बाद भी ये अपना काम जो है करते रहते हैं, घर पे बैठते नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और कोई भी पशु हो गया, गाय हो गई, उनकी प्रजाति आप इनसे पूछ लीजिए, ये देख के बता देंगे, क्यों दादा? हाँ भैया। हाँ, कोई भी जानवर हो। बहुत सही चीज़ है दादा। आने वाले जनरेशन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, किस बारे में उनको आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आज मैंने आपको देखा है, नोटिस करता आ रहा हूँ बचपन से ही, आपने कभी भी वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाया, आप जो है अपने जो पूर्वज थे उन्हीं को फॉलो करते, उन्हीं के राह पे चलते आपने पूरा जीवन अपना निकाल दिया है। निकाल दिए भैया। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो ये वेस्टर्न कल्चर है, जो बाहरी देश का हम लोग कल्चर अपना रहे हैं, क्या ये हमारे इंडियन कल्चर से अच्छा है? अरे बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, बाहरी कल्चर अपने देश से अच्छा है? नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं, हमारे देश से अच्छा कोई नहीं है। दादा अपने शब्दों में ही बताइए, आने वाले जनरेशन को क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या आप बताना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को, कुछ बताइए। अरे भाई, अपन जीवन शैली पास करने के लिए हाँ, तो पेड़ लगावा, पौधा उसे फल मिले, टूका हाँ, हवा मिले अच्छी से अच्छी,
जी, उससे अच्छा ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल सकता। कुछ नहीं, पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों को अगर पौधे लगे रहेंगे अच्छा, तो उनकी जो है अपने ही लैंग्वेज में बोलिए, अवधि में बोलिए, अवधि सबको समझ में आती है। पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी बेटा। हाँ वो तो सही चीज़ है, सही बात बोली आप। अब पशु पक्षी में जो आपका इतना लगाव प्यार है, ये कहाँ से आया आप में? लोग आजकल किसी को टाइम ही नहीं मिलता, आप पशु पक्षियों में जो है आपको मैं देखता रहता हूँ, इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए, उनसे इतना लगाव है, बहुत बड़ा नॉलेज होता है। अच्छा पशु पक्षी जो है, पक्षी जो होता है सुबह अपने भोजन के लिए जी घोंसला छोड़ के भाग जाता है जी, उस लिए उसी के हम हमारे बच्चे नकल करें कि अपने रोजी रोटी पे भाग जाएं सुबह होते हुए। अच्छा। और रोजी रोटी लगता कमाए खाए, देहात में रहेंगे तब भी, खुशहाल रहेंगे बाहर जाएंगे तब भी, इसलिए पशु पक्षियों से हमको बड़ा लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है, पेड़ बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे तभी पशु अच्छी रह जाएंगे, क्योंकि आजकल तो पक्षी कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सही बात है। उनका घर तो हम लोग नष्ट कर दे रहे हैं, काट के निकाल दे रहे हैं, मानुष लोग जो काटते हैं पेड़ पौधों को। ये हमको बहुत सबक दे रहे हैं पक्षी। अच्छा लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे वो, इसलिए पेड़ पौधा लगाओ बहुत जरूरी है, तभी हम लोग रह पाएंगे, हमारे बच्चे रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे भैया। बहुत और क्या सही बात बोलने दादा, ये सारी चीज़ों को आपकी बातों को सुना जाए मेरी यही उम्मीद है, क्योंकि आदमी जो है सबकी बातों को नहीं समझता, नहीं सुनता, बट आपने पूरा देखते हुए चले आए हैं। आजकल लोगों में बीमारियां नई नई निकल रही हैं, पहले आपके टाइम में ऐसा नहीं होता था, आप लोग जब यंग थे आपको मैंने बीमार होते जल्दी देखा ही नहीं, इतनी एज में भी आप जो है अपने काम करते रहते हैं, बीच में चोट लग गई थी आँखों में आपके, उसी वजह से थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, नहीं तो आपको मैंने देखा है हर टाइम में जब भी देखता हूँ काम करते रहते हैं, पशुओं को ले करते रहते हैं, खेती में आके निराते रहते हैं, खेत को साफ सफाई करके, मतलब पूरा आपसे लोगों को इंस्पायर होना चाहिए, इतनी एज में भी ये जो भी आपका काम है, कोई आपको घर से नहीं बोलता, घर का कोई भी नहीं बोलता कि ये करिए वो करिए, बट आपका जो है ये हमारी जिंदगी अच्छा रहती है, हम करेंगे, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे, हमारे जानवर सही रहेंगे, अच्छा हमारी खेती बाड़ी अच्छा पैदा होगा, गौ है दूध देती रहती है, दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, व्यवस्था रहती है बच्चों को, यही सब। हम एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं दादा, जो है हमारे सिलाई मतलब लाइफ बहुत अच्छा सिलाई करते हैं, अभी भी मैं जो नए जनरेशन जिनकी अच्छी नेत्र है, अच्छी आँखों वाले भी सुई में जो धागा डालते हैं भैया, उनको टाइम लग जाता है, दादा इस एज में भी सुई में धागा आपसे तेज डालते हैं, बिना देखे डाल देते हैं क्या दादा? हमने आपको देखा कई बार, बताइए इतना एक्सपीरियंस हो गया, किसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हो, करते रहते हो तो आप उसमें इतना मैच्योर हो जाते हो कि आदमी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये आदमी इतना अच्छा इसमें कैसे हो सकता है, बताइए आप इस एज में। अभी भी हम लोगों को मिलता है तो सुई का धागा इधर से डालते हैं, उधर निकल जाता, लगता है चला गया, बट देखते तो नहीं गया रहता, बट आपका जो है मैंने देखा है बिना देखे आप ऐसे निकाल के घुसाते हैं सुई के अंदर चला जाता है, आँख बंद करके धागा डाल देंगे तुरंत। वाह दादा वाह, बहुत सही चीज़ है ये, आपको करते करते आ गया ना। हाँ क्योंकि इस एज में आपकी आँख में चोट लगा, उसमें मैं देखा आपने सुई में धागा ऐसे डाल दिया, मुझे क्या हुआ दादा ये क्या कर रहे हैं धागा जो है बताइए सुई में धागा डालना कोई आसान काम थोड़ी ना है, सब नहीं कर पाते भाई, टाइम लगता है, लगे रहते हैं, हम लोग से नहीं होता, बट उस दिन देखा मैं बोला वाह दादा ये टैलेंट जो है आपका इसलिए आया, इससे हमको सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ये नहीं जरूरी कि धागे सुई में धागा चला जा रहा है, ये सीखना चाहिए जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस कंटिन्यू करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है उस काम में जिसको हम रेगुलर करते आ रहे हैं, क्यों दादा? जो रोज हम करते हैं उस चीज़ में हम एक टाइम पे निपुण हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि आदमी भी देखता है तो बोलता है कि इस आदमी को इतना इसने कैसे कर लिया, बिलीव नहीं होता,
ये सब होता है प्रैक्टिस से। क्यों दादा? प्रैक्टिस होता है, अपना जुटे रहने से काम जो है आगे बढ़ता है, और ढील कर देंगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ बहुत सही दादा, बहुत सही। ये सब जानकारी लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और हम ज़रूर पहुँचाएँगे दादा की बातों को लोगों तक। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तो आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। देखिए ये सब दादा ने लगाया है, करेले का पेड़ हो गया, बैगन हो गया, ये खलमी आम भी इन्होंने लगाया जो हम लोग खाते हैं, इतने बड़े बड़े आम होते हैं इसके, नीम हो गया, ये सारे जो वृक्ष हैं देख रहे हो आप लोग, ये दादा ने ही लगाया है। कुछ नए वृक्ष लगाए हैं दादा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए अनार का पेड़ लगा दिए हैं, आम का पेड़ लगा दिए हैं, बहुत मतलब इन सब में इनको इतना खुशी मिलता है, ये खुद से करते हैं, कोई इनको बोलता नहीं। ये बताते हैं कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊं जो आने वाले जनरेशन बोले मेरे दादा ने इस पेड़ को लगाया था, मेरे बाबा ने इस पेड़ को लगाया था, तो वो सब ये अभी भी करते रहते हैं। दोस्तों धन्यवाद, आप पूरा वीडियो को देखिए, और अगर आपको पसंद आता